विशाल यादव, स्वागत है आप लोगों का न्यूज 24 जनसत्ता में। कहा जाता है कि चीन की खुफिया जानकारी को पा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारतीय हैकरों ने 15,000 फाइलों को हैक कर लिया है। ये खबर सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और भारत के उन वीरों की वाहवाही करेंगे, क्योंकि ये वीरता का कार्य हुआ जैसे चीन हमारे डेटा को हैक कर लेता है, पाकिस्तान हमारे डेटा को हैक कर लेता है, लेकिन ये शायद पहली बार होगा कि भारतीय हैकरों ने पाकिस्तान और चाइना की 15,000 फाइलों को हैक कर लिया है। ये वो इतनी महत्वपूर्ण फाइलें थी जिनको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप समचा हुआ है, चीन भी बिलबिला उठा है और भारत के खिलाफ कई तरीके की बातें भी कर रहा है, क्योंकि हैकरों ने जो काम किया है, भारतीय हैकरों ने जो काम किया है वो काम लाजवाब है। अब हम पाकिस्तान की एयरफोर्स की सारी जानकारी अपने पास रखेंगे और चीन की भी सारी खुफिया जानकारी अपने पास रखेंगे। सोचिए, 15,000 फाइलें कम नहीं होती है, लेकिन भारतीय हैकरों ने कमाल कर दिया। आने वाले समय में इनको अवार्ड देना चाहिए और महामहिम को सम्मानित करना चाहिए। और न्यूज 24 जनसत्ता की टीम इन जैसे लोगों का स्वागत करती है, क्योंकि जैसे रॉ काम करती है, NIA काम करती है और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं, वैसे इन हैकरों ने भी किया है। अब पाकिस्तान का डाटा हैक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चीन का डाटा हैक करना बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर पाकिस्तान में भी भूचाल आया हुआ है और चीन में भी भूचाल सा आया हुआ है, क्योंकि 15,000 फाइलें कम नहीं होती साहब, 15,000 फाइलों को भारतीय हैकरों ने हैक कर लिया है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर के भारत में क्या बातें हो रही हैं, पाकिस्तान और चीन में क्या क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी देशों को चूना लगा दिया गया है। भारतीय हैकरों ने दोनों पड़ोसी मित्र देशों को चूना लगा दिया, जिसकी वजह से उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप है। इन दिनों चीन से लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत समर्थक हैकर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF और चीन के सुरक्षा संस्थान में हैकिंग कर दोनों देशों को बड़ी चोट पहुंचाई है। बताया जा रहा है कि ये घटना इस साल मई में हुई, लेकिन इसी माह पाकिस्तान में करीबी मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच इसके लीक होने से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस समय साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों का दावा है कि भारत के हैकर्स दोस्तों ने उनके साइबर स्पेस की जासूसी की है। पाकिस्तान नेवी पर भी हमला किया गया है। बता दूं आपको, चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि हैकर्स ने करीब 15,000 ऐसी फाइल्स को हैक किया है जिसमें टॉप पाक डिफेंस ऑफिसर्स की तरफ से जानकारियाँ दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान के विशेषज्ञ इस बात का पता लगा सके कि उनकी जानकारियों को चोरी कर लिया गया है। कुछ अपुष्ट दावों के मुताबिक हैकर्स कुछ ऐसे संकेत छोड़कर गए थे जिसमें ये पता लग रहा था कि उनके सिस्टम में सेंध लगा दी गई है। इसी तरह की एक घटना मार्च माह में भी हुई थी जिसमें पाकिस्तान नेवी की जानकारियों को चुराया गया था। चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में इस बात की जानकारी मिलती है। चीन के सरकारी मीडिया में एक रिपोर्ट इस महीने आई थी, इसमें कहा गया था कि हैकर्स भारत में ही हैं और वो एक एक करके कई हमले कर रहे हैं। उनके ऐसे ही हमलों में पिछले साल चीन के मिलिट्री संस्थानों को निशाना बनाया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हैकर्स ने साफ डाटा चोरी कर रहे हैं, बल्कि वो एनर्जी से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डैमेज कर रहे हैं। भारत पर बड़ा हमला, अगर चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों का दावा सही साबित होता है तो ये इस साल की पहली ऐसी घटना होगी जिसमें जानकारियों को चोरी किया गया है। चीन और पाकिस्तान भारत की सेनाओं के खिलाफ कई तरह के ऐसे ही साइबर अटैक्स को अंजाम देते आ रहे हैं। अक्टूबर 2020 में भारत ऐसे ही एक साइबर अटैक का शिकार हुआ था, जिसके बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर बिजली संकट पैदा हो गया था। हालांकि चीन ने इसे मानने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन उसके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे चाइना और पाकिस्तान मिलकर 15,000 फाइलों को हैक करने का इल्ज़ाम भारत पर लगा रहे हैं, तो इससे भारत को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भारत भी कह देगा कि हमने ऐसा नहीं किया है, जैसा चीन बार बार कहता है। साइबर अटैक कई बार चीन ने भारत पर किया है और इस बार भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि चीनियों की होश उड़ गई है, पाकिस्तान की बैंड बज गई है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को छोटा सा लाइक, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।